आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से चयन। तो आज की बात करने पर यहाँ पे पोर्टर आर्मी भर्ती 2023 के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो पोर्टर आर्मी की आपकी भर्ती होने वाली है वो यहाँ पे परमानेंट वाली होने वाली है या 6 महीने के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक क्लियर डाउट आपका कर दूं कि ये जो भर्ती आपकी सिर्फ 6 मंथ के लिए होने वाली है, ठीक है, कोई परमानेंट नहीं है, सिर्फ 6 महीने के लिए आपकी भर्ती होगी, जिसमें आपकी 1200 वैकेंसी रहेगी, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य से यहाँ पे है तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। कौन कौन लड़का जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भर्ती देखने के लिए जा रहा है, हमें जरूर यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये जो भर्ती है मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश में होने वाली है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। पोर्टर की भर्ती की जानकारी से पहले मैं आप सबके लिए एक जरूरी जानकारी दे दूं, अगर आपका एओसी का यहाँ पे फिजिकल फिट हो चुका है, अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास इसके जो उपाटन क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे पास इसके 22 पीडीएफ है, यानी कि 22 पीडीएफ है, जिसका प्राइस हमने 260 रुपया रखा है। और भाई अगर आप एओसी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो ना, तो हमारे पास 22 पीडीएफ है, जिसमें से 70% भाई क्वेश्चन जो है ना वो आपको एओसी के एग्जाम में आएंगे। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, 260 रुपया मैंने इसका प्राइस रखा है, 260, और जे मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, जे ओनली यहाँ पे एओसी पीडीएफ के लिए नंबर है, ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे, ठीक है। अब चलते हैं सीधा पोर्टर भर्ती की ओर। जैसे कि मैंने आप सबको बता दिया कि ये जो भर्ती है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में आपकी होने वाली है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में भर्ती होने वाली है, 28 अप्रैल से भर्ती होने वाली है, 7 मई तक आपकी भर्ती चलेगी। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, कौन लड़का सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ, वो फाइनल रिजल्ट इसका 5 मई 2023 से लेकर 10 मई 2023 के बीच जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पे फाइनल कर दिया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है नीचे बताए गए कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है आपको साथ में लेके जाना है, ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे रिसर्च करिए पोर्टर आर्मी भर्ती 2023 डॉक्यूमेंट्स केपीजे स्टार, ठीक है, पोर्टर आर्मी भर्ती 2023 डॉक्यूमेंट केपीजे स्टार, ठीक है। जैसे आप जे रिसर्च करोगे पोर्टर आर्मी भर्ती में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना है, मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी, जिसमें मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी हुई है। बाकी जो पूरी जानकारी है भाई पोर्टर आर्मी की भर्ती में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं आपको यही पूछना चाहूंगा कि कौन कौन लड़का जो है वो यहाँ पे पोर्टर आर्मी की भर्ती देखने के लिए जा रहा है, जो हिमाचल प्रदेश कुल्लू में होने वाली है। भारत के सभी लड़के इसमें जो भर्ती देखने जा सकते हैं, ठीक है, 28 अप्रैल से भर्ती हो रही है, अच्छा मौका है 6 महीने के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पोर्टर की आर्मी भर्ती देखने के लिए। 1200 वैकेंसीज हैं, ठीक है, मेड्स एंड अदर सिविलियंस की यहाँ पे 110 वैकेंसीज हैं, ठीक है, पोर्टर्स की यहाँ पे 1040 वैकेंसीज हैं, सफाई वाले की 50 वैकेंसीज हैं, टोटल 1200 वैकेंसीज हैं, ठीक है, अच्छा मौका है, अगर आप जाना चाहते हैं इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं। एज आपकी 18 से लेके 40 वर्ष के बीच यहाँ पे मांगी गई है, ठीक है, 18 से लेके 40 वर्ष के बीच आपकी यहाँ पे जो एज है वो यहाँ पे मांगी गई है, वोटर कार्ड आईडी मांगी गई है, राशन कार्ड मांगा गया है, ठीक है, आधार कार्ड मांगा गया है, तो ये जो साथ में लेके यहाँ पे जरूर जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में पोर्टर आर्मी की भर्ती कब आएगी, तो अपने शहर का नाम हमें जरूर यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।